दोस्तों जो पुरुष औरत की यह चीज देख लेता है तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती है, तो औरत की एक चीज कभी ना देखें। दोस्तों चाणक्य नीति एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय बनाने के कई रहस्य दिए गए हैं। इस ग्रंथ में लिखी हर एक बात का सीधा संबंध मानव समाज को जीवन के हर एक व्यवहारिक ज्ञान को देने से है। विष्णुगुप्त चाणक्य एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी नीतियों के फलस्वरूप धनानंद का अंत किया और अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर आसीन किया। तो आज आप चाणक्य की उन महत्वपूर्ण नीतियों के बारे में जानने जा रहे हैं जो आपको जीवन के किसी भी मोड़ पर काम में आ सकती हैं। दोस्तों अगर आप अपने जीवन में खुशहाली चाहते हैं तो जीवन में कभी भी औरत की यह चीज मत देखना, यह आप पर न जाने कौन सी विपदा ले आ सकती है। शास्त्रों में ऐसे लोगों को महापापी माना जाता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल से हर रोज कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों जो पुरुष किसी माता को अपने बच्चे को स्तनपान कराते हुए देख लेता है और अपने मन में गलत विचार लाता है तो वह एक महापापी माना जाता है। महिलाओं के प्रति गलत भावना लाने वाले व्यक्ति कभी ना कभी अपनी मृत्यु का कारण बन जाते हैं। किसी भी व्यक्ति को छुपकर किसी महिला को नहाते हुए नहीं देखना चाहिए, ऐसा करना घोर पाप माना जाता है। चाणक्य नीति के अनुसार छुपकर किसी महिला को स्नान करते हुए देखना एक महापाप माना जाता है, अतः आप ऐसी गलती कभी ना करें अन्यथा आप अपनी मृत्यु का कारण भी बन सकते हैं। किसी भी पुरुष को गैर महिला के स्तनों की ओर कभी नहीं देखना चाहिए क्योंकि पुरुष की उत्पत्ति और पालन पोषण का प्रारंभिक स्तर भी यहीं से शुरू होता है। ऐसा करने से आप घोर पाप के भागी बन जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसे व्यक्ति द्वारा कभी भी मनुष्य का जन्म नहीं लेते हैं। साथ ही दोस्तों आचार्य चाणक्य ने बताया है कि 5 स्त्रियों से भूल कर भी विवाह नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही इसके परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। तो आइए एक बार जानते हैं इन 5 महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। दोस्तों नंबर 1, कहा जाता है माँ सरस्वती मनुष्य के कंठ में निवास करती है, इसलिए वाणी का बहुत ही अधिक महत्व होता है। जो स्त्री मधुर वाणी वाली होती है उससे माँ सरस्वती सदैव ही प्रसन्न रहती हैं। लेकिन जो स्त्री बुरे अथवा कटु वचन बोलती है वह न केवल माँ सरस्वती का अपमान करती है, ऐसी स्त्री पारिवारिक कलेश का कारण भी बनती है जिससे कि घर परिवार में जो अशांति का वातावरण निर्मित होता है वह परिवार के अन्य सभी सदस्यों के लिए बहुत ही नकारात्मकता होता है। इसलिए दोस्तों विष्णु पुराण में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को स्त्री से विवाह करने से बचना चाहिए जो कटु भाषा बोलती हो। नंबर 2, हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया कि प्रत्येक मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में जागना अति आवश्यक होता है, लेकिन वर्तमान में बहुत से लोग अपनी आधुनिक जीवन शैली के कारण इस नियम का पालन नहीं कर पाते हैं और देर तक सोते रहते हैं। लेकिन फिर भी यह जरूरी है कि वह अपने पति तथा परिवार के अन्य सदस्यों के उठने से पहले उठे और अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर घर की साफ सफाई करे, परिवार के सदस्यों के लिए भोजन आदि अन्य आवश्यक वस्तुओं का प्रबंध करे। लेकिन इसके ठीक विपरीत जो महिलाएं देर तक सोती हैं और पति के जागने के बाद भी बिस्तर का त्याग नहीं करती हैं, ऐसी महिलाएं किसी भी मूल्य पर अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं कर सकती जिससे कि उनके घर में भी कभी माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। कई बार तो ऐसी आलसी स्त्रियों से होकर माँ लक्ष्मी इन घरों को त्याग कर चली जाती हैं और घर परिवार में गरीबी का दौर आ जाता है। नंबर 3, विष्णु पुराण में बताया गया है कि जिस किसी स्त्री का विशिष्ट चरित्र वाले पुरुषों से मिलजुल हो अथवा वह मन ही मन उन्हें पसंद करती हो और उनकी संगति से आनंदित रहती हो तो पुरुष को ऐसी स्त्री से विवाह करने से बचना चाहिए, क्योंकि विष्णु पुराण के अनुसार स्त्री के चरित्र में भी जोश आ जाता है और उसका स्वभाव उसके चरित्र वाले पुरुष मित्रों जैसा हो जाता है। फिर वह अपने पति की तुलना उन पुरुषों से करने लगती है, बस यही बात विवाद को जन्म देती है। नंबर 4, वैसे आज भी यदि कोई हिंदू अपनी पुत्री का विवाह करता है तो वह पहले इस बात की पुष्टि कर लेता है कि कन्या के पिता अथवा उसकी माता के गोत्र से समान तो नहीं है,
और यदि इन चारों गोत्रों में से किसी भी एक गोत्र में समानता पाई जाती है तो फिर यह रिश्ता वहीं पर असमान्य हो जाता है। वैसे इसके पीछे मानता यह है कि एक समान गोत्र होने पर उनका रिश्ता बहन भाई जैसा होता है। नंबर 5, कई बार कन्या की कुंडली में मांगलिक दोष होता है। ऐसे में यह बहुत ही जरूरी है कि विवाह करने से पहले मंगल दोष निवारण हेतु उपाय करवा देना चाहिए, अन्यथा विवाह के 1-2 वर्ष के पश्चात ही दाम्पत्य जीवन में कलह उत्पन्न हो जाता है और कई बार तो यह दोष इतना अधिक प्रबल होता है कि यह दुर्घटना का कारण भी बनता है। दोस्तों, ये वे दोष हैं जिन्हें विष्णु पुराण के अनुसार किसी भी स्त्री में नहीं होना चाहिए, किंतु फिर भी यदि किसी स्त्री में ऐसी आदतें हैं तो समय रहते उन्हें सुधार देना चाहिए, अन्यथा परिणाम काफ़ी गंभीर हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिख दें, जिससे कि आपके हर काम बनते चले जाएं और आपके ऊपर माता लक्ष्मी कृपा हमेशा बनी रहे।